हम लेटर जो टू प्रोसेसेस बाकी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कॉन्जुगेशन एंड देन ट्रांसडक्शन. तो बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर प्रोसेसेस विच कॉज रिकॉम्बिनेशन इन जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने शॉर्ट में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड्स कहा था, उनमें क्या होता है, अ बैक्टीरियम डोनेट्स अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू अदर बैक्टीरियम, जिसमें एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम को अपना डीएनए डोनेट करता है, जिससे कुछ नए कैरेक्टर्स रेसिपिएंट बैक्टीरियम में दिखते हैं. मतलब रेसिपिएंट बैक्टीरियम मतलब वो बैक्टीरियम जो डीएनए अपटेक करता है, दूसरे से लेता है डीएनए, वो रेसिपिएंट जो देता है वो डोनर. ओके, तो नंबर टू कॉन्जुगेशन प्रोसेस. जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग निकलता है ट्रांसफॉर्म करना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदलना, ट्रांसफर करना, ओके, कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था. वैसे कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इस वर्ड में कॉन्जुगेट ये टर्म छुपी हुई है, तो कॉन्जुगेट से आया है कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेट का मतलब बेटा, ये कॉन्जुगेशन का मीनिंग लिटरल मैंने कोई बता सकता है? एनीवन, कॉन्जुगेट का मीनिंग नहीं, कोई भी नहीं. कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पेयरिंग करना, ओके, पेयरिंग करना, ओवरलैपिंग करना, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन. दो चीजों का एक साथ में आना, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन. इससे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि कॉन्जुगेशन इसमें क्या होंगे, दोनों बैक्टीरिया क्लोज आएंगे, ओके, ओवरलैप कर सकते हैं. कॉन्जुगेशन इज that type of DNA transfer method in which one bacterium donates और डीएनए फ्रैगमेंट टू अनदर बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब बाय फॉर्मिंग conjugation tube in between them. Okay? तो एक बैक्टेरियम दूसरे बैक्टेरियम को डीएनए डोनेट करेगा उन दोनों के बीच में एक ट्यूब फॉर्म करके. उस ट्यूब को हम क्या कहेंगे? conjugation tube. Okay? मतलब दोनों के पेयरिंग करने के बाद, ओवरलैपिंग करने के बाद, वहां पर एक ट्यूब फॉर्म हुई और उस ट्यूब की हेल्प से डोनर बैक्टीरियम अपना डीएनए का फ्रेगमेंट रेसिपिएंट बैक्टीरियम को, रिसीव करने वाले बैक्टीरियम को
वहां पर दे रहा है। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो अभी। अब कौन कौन से बैक्टीरिया, क्या सभी बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के प्रोसेस कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी एक ऐसे बैक्टीरिया जिनमें दो तरह के वेरिएंट मिलते हो, ऐसे स्पीसीज के बैक्टीरिया, दो वेरिएंट कौन कौन से, जिसमें एक को हम एफ पॉजिटिव सेल कह सकें और दूसरे को एफ नेगेटिव सेल कह सकें। ओके, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल। एफ पॉजिटिव सेल का मतलब है कि ऐसा बैक्टीरियम जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होने के कारण पिलाई फॉर्म हो रहे हैं। पिलाई कितने टाइप के होते हैं बेटा? पिलाई फिलिन प्रोटीन से बनते हैं, आपको बताया था। और पिलाई कितने टाइप के होते हैं सर? थ्री टाइप। वेरी गुड, थ्री टाइप के होते हैं पिलाई, न्यूट्रिटिव पिलाई और कीमोसेंसिटिव पिलाई जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं, एंकरिंग पिलाई जो एंकरेज के लिए मतलब कि किसी जगह पर एडहर करने के लिए, सबस्ट्रेटम के ऊपर रुकने के लिए। ओके, और थर्ड होते हैं सेक्स पिलाई जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो पिलाई का मेन पार्ट जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा वो है सेक्स पिलाई। तो जैसे एक ही स्पीसीज के एफ पॉजिटिव सेल एफ नेगेटिव सेल के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये दोनों ब्लू मार्कर्स दिखा रहा हूं। ओके, सेम है, दिख रहे क्या दोनों ब्लू दिख रहे क्या? यस सर। ओके, लेकिन एक की कैप भी पूरी तरह से ब्लू है। ओके, दूसरे की कैप पूरी तरह से ब्लू नहीं है, व्हाइट पार्ट भी उसमें दिखा क्या? यस। ओके, तो समझ लो ये एफ पॉजिटिव सेल है और ये एफ नेगेटिव सेल है, दोनों ब्लू मार्कर है, मतलब एक ही स्पीसीज के दो बैक्टीरिया है जिनमें थोड़ी सी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? तो इसमें एफ पॉजिटिव सेल इसमें पिलाई प्रेजेंट है। ओके, इसमें पिलाई प्रेजेंट नहीं है, पिलाई एब्सेंट है, ये वाला डिफरेंस है इसमें। तो क्यों एब्सेंट है पिलाई? क्योंकि इनके अंदर वो जीन है जो यहाँ पर एक पहले तो क्या बना लेता है, एफ प्लाज्मिड बना लेता है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर डीएनए होते हैं, न्यूक्लियोइड के बाहर जो डीएनए मिलेगा बैक्टीरिया में उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो एक्स्ट्रा जीनोमिक रहेगा। ओके, मतलब उसका मेनली ज्यादा पार्ट ट्रांसफर नहीं होगा डायरेक्टली एक पैरेंट से दूसरे, एक सेल से दूसरी सेल में, पैरेंट सेल से प्रोटर सेल में। तो ये प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड, और जिसमें एफ प्लाज्मिड बनेगा उसमें पिलाई बनते हैं हमने कहा। तो एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, जिसमें कुछ में पिलाई बनते हैं एफ प्लाज्मिड बनने के कारण, इसलिए वो एफ पॉजिटिव सेल, एफ प्लाज्मिड है इसलिए एफ पॉजिटिव, इसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है इसलिए एफ नेगेटिव सेल, और एफ नेगेटिव सेल में पिलाई नहीं होते। तो जब ये दोनों एक ही स्पीसीज के बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो ओवरलैपिंग कर जाते हैं। जैसे ये एफ पॉजिटिव वाला देखता है कि एफ नेगेटिव बैक्टीरियम है उसी के स्पीसीज का, तो एफ पॉजिटिव को थोड़ा सा दया आ जाती है कि इसके पास में भी अगर पिलाई होंगे तो ये भी थोड़ा सा कीमोसेंसिटिव नेचर जो है इसको भी अच्छा मिलेगा। तो ये एफ पॉजिटिव सेल अपना डीएनए
डोनेट करती है एफ नेगेटिव सेल को. ओके, तो कैसे होता है स्टेप्स में? तो सबसे पहले ये आकर के कॉन्जुगेट होगी. अब कॉन्जुगेशन दो तरह से हो सकता है, पैरेलल कॉन्जुगेशन, दोनों सेल पैरेलल ही आ जाए, ठीक है, तो पैरेलल कॉन्जुगेशन, दोनों सेल पैरेलल ही आकर के एक दूसरे से इसे फ्यूज हो जाए. ओके, तो पैरेलल कॉन्जुगेशन, या फिर मतलब ऐसी भी आ गई तो पैरेलल पैरेलल कॉन्जुगेशन. ओके, और या फिर लेटरल कॉन्जुगेशन, लेटरली आ जाए, वहां पर साइड वाइज से आ जाए. तो यहां पर कॉन्जुगेशन दोनों तरह से होता है, लेटरल कॉन्जुगेशन भी हो सकता है और पैरेलल कॉन्जुगेशन भी हो सकता है. दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सेल एक दूसरे के ऊपर यहां पर आएगी, तो एफ नेगेटिव सेल के ऊपर एफ पॉजिटिव सेल एडर करेगी. यहां पर सबसे पहले होगा ओवरलैपिंग, जैसे एक दूसरे के पास में आएगी तो ओवरलैपिंग होगा. ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो हम कॉन्जुगेट हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी एक साथ में, पेयर में आ जाएगी. जैसे ये एफ नेगेटिव सेल, एफ नेगेटिव सेल और उसके कॉन्टैक्ट में आ गई एफ पॉजिटिव सेल. कॉन्जुगेशन क्यों दिखना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सर इस बेसिस पर इसके पास में पिला है, रिप्रोड्यूस पिला है, उसके बाद में एंकरिंग पिला है, एंकरिंग पिलाई की वजह से एंकरेज है, और फिर सेक्स पिला है इसके पास. तो इसके पास में जो डीएनए है, इस डीएनए फ्रेगमेंट का वो पार्ट ये डोनेट कर देगा जिसके कारण ये प्लाज्मिड बना है. उसके पहले क्या होगा, जैसे ही सेक्स पिला यहाँ पर एडर कर गए तो आप ये बताएगा कि एफ नेगेटिव सेल के साथ में एडर किया है, एंड देयरफॉर अब इनके बीच में यू शेप ट्यूब बनने लगेगा, यू शेप ट्यूब यहाँ पर फॉर्म होने लगेगा दोनों के बीच. ये जो यू शेप ट्यूब बनती है, यू शेप ट्यूब, इस ट्यूब को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन ट्यूब. ओके, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद अब डीएनए का फ्रेगमेंट एफ प्लाज्मिड से पास होता है और स्टेप बाय स्टेप मूव करता है एफ नेगेटिव सेल में. इस तरह से डोनर सेल ने डोनेट कर दिया
एफ पॉजिटिव सेल ने डोनेट कर दिया एफ नेगेटिव सेल को डीएनए का फ्रेगमेंट। जैसे डीएनए का फ्रेगमेंट पास हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ओके, ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर होने के बाद भी ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, ओके। ये जितना पार्ट लूज किया है उतना पूरा पार्ट ये फिर से बना लेगा, ओके, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड का। और ये जो एफ नेगेटिव है, ये एफ नेगेटिव आफ्टर कॉन्जुगेशन, एफ नेगेटिव आफ्टर कॉन्जुगेशन छोटे डीएनए फ्रेगमेंट से पूरा प्लाज्मिड बना लेगा ये एफ प्लाज्मिड। और एफ प्लाज्मिड बन गया मतलब अब इस सेल को हम क्या कहेंगे, एफ पॉजिटिव सेल। मतलब जो एफ नेगेटिव सेल थी वो एफ पॉजिटिव सेल में ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, बट डायरेक्ट न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करके नहीं, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन में कि आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया ने हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को अब्सॉर्ब किया था, यहाँ पर अब्सॉर्प्शन ही हुआ, दोनों लाइव बैक्टीरिया है और एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है, ओके, डोनर डोनेट कर रहा है, रेसिपिएंट ले रहा है, अकॉइड लेकर के अपना नया प्लाज्मिड बना रहा है, और जैसे ही नया प्लाज्मिड बनाया अब इसमें इलाय आने लग जाएंगे, ओके, जीन का एक्सप्रेशन होगा, जीन से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जो आपने 9th में शॉर्ट में पढ़ा होगा कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, पिलिन प्रोटीन बनने लग जाएगा और पिलिन प्रोटीन से पिलाई बनने लग जाएंगे मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन में, ओके। तो ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस करके पिलाई बना लेगा पिलिन प्रोटीन से, एंड देयरफॉर जो एफ नेगेटिव सेल थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई एफ पॉजिटिव सेल में। ऐसे सभी एफ पॉजिटिव सेल जब जब अपनी स्पीसीज के एफ नेगेटिव सेल के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन होगा, इन सेल्स को जो एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई है इन सेल्स को बोलते हैं एचएफआर सेल्स, इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स। High frequency recombinant cells, HFR cells, high frequency recombinant cells, मतलब उनमें recombination हो गया, combination बदल गया है उनका, ठीक है बेटा, screenshot ले सकते हैं, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक और चीज आपको छोटा सा बता दूं कि जब कॉन्जुगेशन बात करते हैं तो कॉन्जुगेशन में ओवरलैपिंग होती है, तब आपको क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा दे दिया जाता है कि एक मेल बैक्टीरियम फीमेल बैक्टीरियम के साथ में ओवरलैप हो गया, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल बैक्टीरियम कभी हो ही नहीं सकता, उनमें सेक्सेस होते ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसलिए वो किसको क्या कंसिडर कर रहा है तो ध्यान रखो, एफ पॉजिटिव सेल को मेल बैक्टीरियम कंसिडर करते हैं, कंसीडर कर रहे होंगे, हाँ होता नहीं है, और एफ नेगेटिव सेल को फीमेल बैक्टीरियम कंसीडर कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा दिया जाए कॉन्जुगेशन में तो आप भी ध्यान रखा करो, यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है बस एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के लिए, तो एफ पॉजिटिव सेल को मेल बैक्टीरियम बोल दिया जाता है, ओके, और एफ नेगेटिव सेल को फीमेल बैक्टीरियम कंसीडर कर लिया जाता है, ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी बैक्टीरियम मेल या फीमेल हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिंगल सेल है, उसके पास में किसी भी तरह के गैमेट भी नहीं बनते जिसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया जाए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो।
डन, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? हाँ सर। यस सर। गुड बेटा, तो ये सेकंड मेथड हो गई कॉन्जुगेशन, जिसमें डीएनए ट्रांसफर हुआ। अब लास्ट मेथड है ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने लिखा था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, कॉन्जुगेशन ये प्रोसेस प्रपोज की थी जिंडर एंड लेडरबर्ग के दो साइंटिस्ट ने। जिंडर, जेड से स्टार्ट हो रहा है, जिंडर एंड लेडरबर्ग। बट जो थर्ड वाली है उसमें लेडरबर्ग फिर से है, बट उसके साथ में टाटा नंबर थ्री ट्रांसडक्शन मेथड। ट्रांसडक्शन मेथड, ट्रांसडक्शन मेथड किसने दिया था? लेडरबर्ग एंड टॉटम। ओके, कॉन्जुगेशन दिया था जिंडर एंड लेडरबर्ग। तो ट्रांसडक्शन में क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट from one bacterium to another with the help of viral agency or virus। जब डीएनए के ट्रांसफर में एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए के ट्रांसफर में वायरस पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस। कैसे वायरस पार्टिसिपेट करेगा? तो आपको ध्यान में देना है बेटा कि वायरस होस्ट के बेसिस पर तीन टाइप के होते हैं। वायरस ऑलवेज होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग कोरोना वायरसेस के केसेस में देख रहे हैं, तो ये जो वायरस है कोविड 19 का वायरस, सार्स सीओवी 2 बोलते हैं जिसको हम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकंड। ओके, तो ये जो सार्स सीओवी 2 वायरस है ये आरएनए वायरस है, आरएनए जीनोम है इसमें, और इसका होस्ट एनिमल है। ओके, एनिमल मतलब ये ज़ूफेजेनी है। ओके, तो ये किसी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं कहा कि प्लांट के ऊपर नहीं रह सकता, लेकिन प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, प्लांट में नहीं डिसीज कॉज कर सकता है। प्लांट के ऊपर पड़ा रह सकता है पत्ती वगैरह के ऊपर, तो ऐसे मत करना कि चलो कल से फिर सर ने कहा है कि प्लांट के ऊपर नहीं ग्रो कर सकता तो किसी सब्जी वगैरह के ऊपर नहीं हो सकता, ये ऐसा मत बोलना। वहां पर पड़ा रह सकता है, उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वायरस किसी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ओके, उसके ऊपर हो सकता है पड़ा हुआ, अगर किसी तरह से उसको किसी ह्यूमन बीइंग से या किसी दूसरे एनिमल से वहां पर पहुंच जाए तो उनके ऊपर हो सकता है, लेकिन उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
उनको इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वायरस हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो तीन कैटेगरी के बेसिस पर होते हैं। एनिमल को इन्फेक्ट करने वायरसेस को हम जूफेजेनी कहते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम फाइटोफेजेनी बोलते हैं, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वायरस वाले वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर कर रहा है वायरस, मतलब वो किस कैटेगरी का होना चाहिए? अरे भाई बोलो, कहाँ गए सब लोग? बैक्टीरियोफेज। चलो एटलीस्ट दो लोग तो है अवेक, कॉन्शियस है दो लोग। बैक्टीरियोफेज सर। बाकी सब लोग क्या एनर्जी बचा रहे क्या अपनी रिप्लाई नहीं देख करके? कि समझ में नहीं आया बेटा? समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं देने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप रिप्लाई देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आपने एक बार उस चीज को टर्म को प्रोनाउंस किया है, तो आपको कभी ना कभी याद आएगी। ओके या फिर जितना जल्दी आप उसके ऊपर कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे उतना अच्छे से आपको कंसेप्ट स्ट्रांग होगा उससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दोगे तो वो चीज भी आपको कभी, वो कंसेप्ट भी आपको कभी, वो टर्म भी आपको कभी जल्दी से रिकॉल नहीं होगी। तो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोशिश किया तो रिप्लाई देने, गलत हुआ चलेगा बट देना जरूरी है। बैक्टीरियोफेज कहते हैं हम जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। धनंजय का मैसेज आया है, एक्सप्लेन इट अगेन। बेटा धनंजय आप बताओ क्या एक्सप्लेन करना है, माइक में बोलो बेटा, जरा माइक का यूज करके बताओ क्या एक्सप्लेन करना है बेटा। धनंजय धनंजय कलंबे क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, एक्सप्लेन इट अगेन। आपको आवाज आ रही है बेटा धनंजय? धनंजय आवाज आ रही है? चलो इतना एक्सप्लेन कर देता हूं मैं फिर से। ट्रांसडक्शन प्रोसेस मतलब एक बैक्टीरियम से डीएनए का ट्रांसफर वायरस की हेल्प से होगा। वायरस एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए ले जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। फिर वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सभी वायरसेस बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके ओनली बैक्टीरियोफेज ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो जो बैक्टीरियोफेज रहेगा वो ह्यूमन बीइंग्स को या एनिमल्स को और प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक रहते हैं। इसलिए बैक्टीरियोफेज बोला मतलब ओनली ऐसी कैटेगरी बैक्टीरिया, ऐसी कैटेगरी वायरसेस की जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। ओके जूफेजेनी मतलब एनिमल को अफेक्ट करने वाले, इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस, उनके ऊपर ग्रो करने वाले वायरसेस। और फाइटोफेजेनी मतलब प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले, प्लांट्स पर ग्रो, प्लांट सेल पर ग्रो करने वाले वायरसेस को हम फाइटोफेजेनी कहते हैं। अब चलो प्रोसेस को देखते हैं फिर। अगर ये एक ए बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल है, इस ए बैक्टीरियल सेल को, इस ए बैक्टीरियल सेल में ये डीएनए है,
न्यूक्लियोइडल मटेरियल। और यहाँ पर कोई अनदर बी बैक्टीरियल इसके पास में, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों बैक्टीरियल सेल्स। अब अगर ए बैक्टीरिया के पास में, ए बैक्टीरियम के पास में कोई स्पेशल कैरेक्टर वाला जीन है जो बी के पास में नहीं, ठीक है, लाइक हमने कहा ए बैक्टीरिया में फ्लैजेलम है, ए बैक्टीरियम में फ्लैजेलम है क्योंकि उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन बी बैक्टीरियम में फ्लैजेलम नहीं है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम नहीं है, ओके। तो फ्लैजेलम बनाने के लिए मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब बी बैक्टीरियम ए ट्राइकस है समझ लो, और ए बैक्टीरियम हमने मोनोट्राइकस दिखा दिया सिंगल फ्लैजेलम वाला। तो ए बैक्टीरियम के पास में उसके जीन में उसके पास में जेनेटिक मटेरियल में जीनोम में एक जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके वहां पर एक स्पेशल प्रोटीन फ्लैजेलिन बनाता है और वो प्रोटीन फ्लैजेला बनाता है, एक सिंगल फ्लैजेलम यहाँ पर दिख रहा है, इसमें प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन करके वहां पर आएगा। तो अगर ऐसे बैक्टीरियम पर एक बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर गया ये बैक्टीरियोफेज, हमेशा याद रखना कि बैक्टीरियोफेज अदर वायरसेस से अलग होते हैं, किस रिस्पेक्ट में, क्योंकि उनको बैक्टीरियल सेल पर अडर करने के लिए टेल फाइबर्स, इनको बोलते हैं टेल फाइबर्स, स्पाइक जैसे जो दिख रहे हैं ना वो है टेल फाइबर्स, बैक्टीरियल सेल पर अडर करने के लिए यहाँ पर होते हैं। और इसके पास में इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है वो हमने यहाँ पर के पास में इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, ये यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल था, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये वायरस इसके ऊपर ग्रो करेगा और फिर बाद में इसका लाइसिस कर देगा ये सेल का, तब यहाँ से ये अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ में इसका एक जेनेटिक मटेरियल का पार्ट यहाँ से कैरी कर जाता है, ओके। और अगर उसमें अगर इसने अगर फ्लैजेलिन प्रोटीन बनाने वाला जीन अगर कैरी कर लिया है तो इसको मारने के बाद में अब ये दूसरी बैक्टीरियल सेल पर जाएगा, अगर ये यहां से इस बैक्टीरियल सेल पर गया इस बैक्टीरियल सेल पर गया और जब ये बैक्टीरियल सेल पर गया तब इस बैक्टीरिया अपना जब डीएनए इसको दिया उसके साथ में ये फ्रैगमेंट जो यहां से लिया था ए सेल से फ्लैजेलिन बनाने वाला ये डोनेट कर दिया, तो बी सेल के पास में फ्लैजेलिन प्रोटीन बनाने वाला डीएनए फ्रैगमेंट आने के कारण अब ये आगे फ्लैजेलिन प्रोटीन बनाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्लैजेला का एक्सटेंशन होगा, ठीक है, नया कैरेक्टर आपको उसमें दिखेगा फिर, ओके क्लियर। तो इस बेसिस पर बी सेल में नया फ्लैजेलिन प्रोटीन आने पर फ्लैजेला वहां पर मिल जाएगा और ये नया डीएनए का ट्रांसफर हो गया वायरस की हेल्प से,
बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। इसको हम ट्रांसडक्शन फिनोमेनन बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो। Done बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? Yes sir. Yes sir. Good. तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की तीनों मेथड्स भी कंप्लीट हो जाती है, ओके, जिससे कि डीएनए का ट्रांसफर हो के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में कुछ आपको डिसीजेस से रिलेटेड वहां पर कुछ टर्म्स मिलती है किंगडम मोनेरा में, कुछ बैक्टीरिया डिसीज कॉज करवाते हैं। लाइक टाइफाइड, टाइफाइड डिसीज किससे होती है बेटा? टाइफाइड डिजीज किससे होती है? टाइफाइड डिजीज साल्मोनेला। यस वेरी गुड। टाइफाइड डिजीज का मेन रीजन है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। ओके, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरियम। ओके, ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम। यस गुड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। कुछ लोग ट्यूबरक्यूल भी लिखते हैं उसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। ओके, देन ये तो होगी एनिमल में डिसीज। एक होती है सिट्रस कैंकर। ओके, कैंकर अलग है, कैंसर नहीं, कैंकर है। सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस प्लांट्स में मतलब ऑरेंज लेमन इस तरह के सिट्रिक एसिड जिनमें ज्यादा होता है, खटास वाले जो होते हैं ज्यादा, तो सिट्रस प्लांट्स में ज़ेंथोमोनास सिट्री ये बैक्टीरिया के इंफेक्शन के कारण सिट्रस कैंकर, मतलब उनमें सिट्रस फ्रूट्स में वहां पर अंदर से वो फ्रूट्स खराब होने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ज़ेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरियम। ज़ेंथोमोनास सिट्री ये बैक्टीरियम सिट्रस कैंकर कॉज करवाता है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए रहते हैं आपको जो आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर। हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में 12 क्लास में आपको सिलेबस में है बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में, जिसमें डिफरेंट बैक्टीरियल डिसीजेस उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसे कि टाइफाइड भी वहां पर है सिलेबस में, ट्यूबरकुलोसिस भी है,
तो टाइफाइड में हम वहां पर उसके क्या किस रीजन से जाता है, बैक्टीरिया कहाँ पर इन्फेक्ट होता है, क्या डायरेक्ट बैक्टीरिया हमारे पास आता है तो नहीं, वो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से. ओके अगर टाइफाइड बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइप की ये अगर फूड या वाटर के थ्रू जाता है किसी भी ह्यूमन बींग की बॉडी में और टाइफाइड कॉज करवाता है. वहां पर हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं उस डिसीजेस के बारे में, यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है. ऐसे ही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में वहां पर मिल्क से कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया यूज होते हैं उनके बारे में, चीज बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरिया यूज होते हैं. आपने एक आपसे सब में लगभग शायद टॉम एंड जेरी वाला कार्टून तो देखा ही होगा, या फिर वो ना कार्टून में जो चीज दिखाया जाता है वो वैसा ही चीज होता है क्या वैसा बेटा जैसे कि आप डेली खाते हो? नो. आप यूज करते हो? बाकी सब लोगों ने चीज ही नहीं देखा या फिर कार्टून ही नहीं देखा या कार्टून में चीज ही नहीं देखा? किसी की आवाज नहीं आ रही, बाकी एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही. कार्टून देखा है सर. चार पांच स्टूडेंट ने देखा है, बाकी सब स्टूडेंट तो बिल्कुल मतलब बचपन से 24/7 पढ़ाई करते. ओके तो क्या वो जो आप डेली आपको चीज जो आपको दिखता है या हमारे आसपास में जनरली जो यूज किया जाता है चीज, ओके तो वो चीज क्या सेम वैसा ही रहता है जैसा कि आपने वहां पर कार्टून में देखा था? नो सर. तो वहां पर कैसा दिखता है कार्टून में, कैसा दिखाते उसको? ट्रायंगल में दिखाते वाला. कलर वाला कौन सा कलर दिखाते उसमें भी? येलो कलर दिखाते हैं और उसमें बड़े बड़े होल्स दिखाते, पोर्स दिखाते उसमें. ठीक है, तो वो स्विस चीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक चीज है वो, एक स्पेशल टाइप का चीज है स्विस चीज. ओके स्विस मतलब स्विट्जरलैंड वाला स्विस चीज, उसको बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया लगते हैं, प्रोपियोनो बैक्टेरियम शर्मैनी, ये स्विस चीज बनाता है. स्विस चीज ये बनाता है प्रोपियोनो बैक्टेरियम. शर्मैनी जैसे कुछ एनोरोबिक बैक्टीरिया अल्कोहल प्रिपरेशन करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए उनको यूज किया जाता है. ओके फर्मेंटेशन करके कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक उनसे निकाली जाती है कुछ बैक्टीरिया से. ओके तो जैसे सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा आज तक एंटीबायोटिक किस जीनस से निकाली गई है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इस जीनस से सबसे ज्यादा बनाई गई है और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्टिनोमाइसिटिस इस बैक्टीरियम के अंडर में आता है. एक्टिनोमाइसिटिस इस बैक्टीरियम के अंडर आता है. इसको एक्टिनोमाइसिटिस को रे फंजाई भी बोला जाता था. फंगस नहीं है, फंगस के लिए यूज किया जाता है, पहले उसको फंगस में रखा जाता था लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
के बारे में पता चलने पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ 1931 में नॉल एंड रस्का इन दो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया तब देखा तो एक्टिनोमाइसिटीज जिनको पहले फंगस में रखते थे उनमें न्यूक्लियस ही नहीं मिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिली न्यूक्लियोइड मिला मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट थी इसलिए वो उनको बैक्टीरिया में रखते हैं ओके साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का भी एक आपको साइनोबैक्टीरिया आपको बताया था कि बेटा साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक एनाबिना के बारे में साइनोबैक्टीरिया शॉर्ट में साइनोबैक्टीरिया को अर्लियर ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता था क्योंकि वो ब्लूइश कलर के उनमें ब्लूइश ग्रीन कलर के पिगमेंट ज्यादा होते हैं इसलिए उनको ब्लू ग्रीन एल्गी कंसिडर करते थे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं प्लांट जैसा तो उनको पहले यूनिसेलुलर प्लांट्स को एल्गी में रखा जाता है अगर कोई यूनिसेलुलर प्लांट मिला तो उसको एल्गी में रख देते हैं तो इसलिए ये यूनिसेलुलर थे और प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस करते थे इसलिए पहले उनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब उनको देखा गया तो उनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट मिली तो वो बैक्टीरिया और इसलिए उनको आजकल हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते थे जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स है साइनोबैक्टीरिया एक साइनोबैक्टीरियम को जब हम बनाते हैं तो उनकी बहुत सारी सिस्ट होती हैं और इस सिस्ट में कुछ सिस्ट अलग ही टाइप की होती है कुछ सिस्ट अलग टाइप की होती है दिखने में थोड़ी दूसरी सिस्ट के कंपैरिजन में अलग होती है बाकी सब सेम साइज की है जैसे मैंने ब्लू कलर में दिखाया तो आपको दिखाने के लिए बनाया उसको बस तो वो जो दूसरे जो सेम साइज की उनको होमोसिस या आइसोसिस बोलेंगे और ये जो डिफरेंट टाइप की दिख रही है इनको हम बोलते हैं हेटरोसिस्ट 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 में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एंजाइम्स नाइट्रोजिनेजेस एंजाइम जिनको कहते हैं नाइट्रोजिनेजेस ओके नाइट्रोजन फिक्स करने वाले नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया अमोनिया एसिड बनाने वाले जो नाइट्रोजिनेजेस एंजाइम है ये हेटरोसिस में होते हैं इनके बाहर की तरफ सिस्ट के चारों तरफ यहाँ पर माइलिन म्यूसिन की म्यूसिनेजिनस शीट होती है जिसके कारण ये जब पानी में पड़े होते हैं तो वहां पर एक साथ में होंगे कॉलोनी में और साथ में जो ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में होते हैं इसलिए अलगल ब्लूम जो आपने पढ़ा होगा 1910 में पढ़ाई क्या किसी ने अलगल ब्लूम पूछूंगा नहीं मैं बस इतना बताओ कि पढ़ा या नहीं पढ़ा अलगल ब्लूम ओके बेटा कोई बात नहीं तो अलगल ब्लूम का मतलब है पॉल्यूटेड वाटर बॉडी मतलब जो वाटर पॉल्यूटेड है उस पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लू ग्रीन अलगी लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं और जब ये ग्रो करते हैं ये फोटोसिंथेटिक है और प्लांट लाइक फोटोसिंथेटिक मतलब ऑक्सीजन भी इवॉल्व करते हैं तो जब ये ऐसे ऊपर सरफेस पर पड़े रहते हैं उस वाटर बॉडी के पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के ओके तो ये जब इनमें से ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन बबल इनके ऊपर दिखता है आपको कभी कभार तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ये जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में उसको हम बोलते हैं अलगल ब्लूम ठीक है तो जिस वाटर बॉडी में साइनोबैक्टीरिया है मतलब वहां पर पॉल्यूशन है जितना ज्यादा अलगल ब्लूम उतना ज्यादा पॉल्यूशन ओके इसलिए आपने देखा होगा कि कोई अगर नदी या फिर कोई पॉन्ड लेक है और वो थोड़ी सी पॉल्यूटेड है उसके आसपास में कोई कचरा फेंक रहा है पॉल्यूटेड है तो आपको उसके आसपास के पत्थर स्लिपरी हो जाते हैं देखा है क्या कभी स्लिपरी पत्थर ऐसे आसपास में कहीं पर है ना तो जो वाटर बॉडी के पास में जो स्लिपरी हो जाते हैं पत्थर वो ये ब्लू ग्रीन अलगी के कारण हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ये म्यूसिलेज की कवरिंग है म्यूसिलेज स्मूथ एंड शाइनी स्लिपरी होता है ठीक है
तो जितने ज्यादा ये वहां पर ग्रो करेंगे उतना ज्यादा उस पत्थर का फ्रिक्शन लेस बना देंगे उसको, ठीक है, स्मूथ लेयर वहां पर उनके ऊपर होगी, तो इसके ऊपर से पेड़ फिसलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का एक मेजर टाइप है। अब इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो पिगमेंट एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होते हैं, जो ब्लू ग्रीन अल्गी मतलब इनमें ब्लूइश ग्रीन कलर के पिगमेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो कलर के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा क्रोमा, ओके, क्रोमा का मतलब होता है कलर। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे एक्सटेंशन जो कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स को कवर करके रखते हैं साइनोबैक्टीरिया में, उनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्रोमेटोफोर्स मैंने क्रोमा ब्लू में ही रहने दिया। क्रोमेटोफोर्स मतलब पिगमेंट इनक्लोजिंग एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे एक्सटेंशन है जिनके अंदर कलरिंग पिगमेंट उसके अंदर बंधे हुए, उसके अंदर है, उसने इनक्लोज करके रखा है, उनको कवर करके रखा है पिगमेंट्स को, क्रोमेटोफोर्स उनको बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बॉडीज और क्रोमेटोफोर्स। और ये क्रोमेटोफोर्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट इनके अंदर होंगे क्रोमेटोफोर बॉडीज के अंदर, क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल नॉस्टॉक एनाबिना, ये एग्जांपल आप दोगे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आप लोगों का फिर ये किंगडम मोनेरा तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यहां तक का आपको टेस्ट में आएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो स्टार्टिंग से है वहां से लेकर तो किंगडम मोनेरा तक, ये जो आपने पढ़ा है अभी तक, यहां तक का आपका टेस्ट, सॉरी आपका डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन है टेस्ट का सिलेबस तो, है ना? हाँ सर, वो हुआ ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, डाइजेशन अब्सॉर्प्शन का टेस्ट हुआ ही नहीं आपका, इसलिए डाइजेशन अब्सॉर्प्शन आपका टेस्ट है संडे को, ठीक है। जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा तब हम उसमें एक पार्ट ले लेंगे वहां पर, डन बेटा। कल हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, उसमें आपको किंगडम मोनेरा भी पढ़ना था, किंगडम प्रोटिस्टा भी पढ़ना है, किंगडम फंजाई भी पढ़ना है, और वायरस के बारे में भी पढ़ना है। तो यही चैप्टर चल रहा है अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ, तो बड़ा चैप्टर है, इसमें तीन तीन किंगडम है, डन बेटा? यस सर। यस सर। गुड, चलो अब हम मिलेंगे कल और पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ओके बेटा, बाय। यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।